हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ब्लॉगर्स किंग्स। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन दिल्ली में लॉकडाउन काफ़ी हद तक खुल गया है, और इसलिए आज हम बाहर निकले हैं कुछ ऐसे अपने भाइयों के लिए जो लॉकडाउन में काफ़ी मजबूर हो चुके हैं और काफ़ी टूट चुके हैं, और अपने काम चलाने के लिए अपने काम कर रहे हैं। तो आज हम खड़े हैं IIT गेट फ्लाईओवर पर, जो कि साउथ दिल्ली में है, और इसकी पहचान है ये आपका पीछे हमारे लक्ष्मण पब्लिक स्कूल है। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये पूरा आउटर रिंग रोड है, जो कि वसंत विहार एयरपोर्ट को जाता है, इधर कालका जी और नेहरू प्लेस से जाके मिलता है, और वहीं पर ये कोने में टर्न आता है फ्लाईओवर के जस्ट नीचे से। जब आप नेहरू प्लेस से आ रहे हैं, सॉरी, जब आप वसंत गांव से आ रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ से, तो जैसे ही IIT का गेट आएगा, पंचशील का फ्लाईओवर है, IIT गेट आप पार करेंगे, पंचशील के फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट लेंगे लक्ष्मण पब्लिक स्कूल के बिल्कुल साथ से, तो आपको ये दिखाई दे जाएगा, बिल्कुल कॉर्नर पर ही हैं एक बहुत ही, एक हमारे अंकल हैं जो कि यहाँ पे अपना फूड का एक वो चलाते हैं, और आज उनके कुछ हम आपको दिखाएंगे कि वो क्या क्या बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये अंकल जी है, ये अपने यहाँ पर रेडी लगाते हैं, अपनी इनकी एक शॉप है, इसको ये चला रहे हैं, आज इन्होंने लगाई है ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद। और ये यहाँ पर हमें देखते हैं पूरी और सब पूरी और आलू की सब्ज़ी और चावल है उसके साथ। तो अंकल जी, आपका नाम क्या है? बेटन लाल। क्या? बेटन लाल। बेटन लाल। तो ये यहीं पर अपनी, कितने टाइम से इसको लगा रहे हो आप रेडी हो? मैं तो लगा रहा था, अब से 3 साल हो गए। 3 साल? 3 साल हो गए। तो अभी आज लॉकडाउन खुल गया है, तो आज आपने लगाई है? हाँ। तो और भी कुछ सब्जी आप रखते हो या अभी फिलहाल? और क्या क्या रखते हो आप अपने? दाल रखते हैं, एक सब्जी और रखते हैं। क्या? जैसे कि एक सूखी सब्जी हो गई, एक दाल हो गई, चावल दाल। अच्छा, तो मतलब हो गई, मान लो चावल नहीं तो कढ़ी बना दी। अच्छा, पूरी सब्जी लिए हो गए, सब्जी चावल दाल हो गई। जैसे आलू पूरी हमेशा रखते हो? हाँ, ये तो। और क्या रखते हो उसके साथ? चावल के साथ दाल चावल, कढ़ी चावल हो गए। अच्छा, भटूरे वगैरह भी रखते हो? छोले भटूरे ऐसा नहीं? अच्छा, तो आपके पास पूरी आलू की सब्जी मिलती है, कढ़ी चावल मिल जाता है, दाल चावल मिल जाता है, जो कि क्योंकि अभी दोस्तों अभी जैसे कि लॉकडाउन खुला है, तो अभी इन्होंने अभी फ़िलहाल अभी आलू की सब्ज़ी और इनके पास चाल वही है, लेकिन ये धीरे धीरे उसको अभी फिर से अपना कल से करेंगे। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये लक्ष्मण पब्लिक स्कूल है सामने, ये आउटर रिंग रोड है, और वो सामने आपको मेट्रो का स्टेशन दिख जाएगा, जो कि होज खास मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप सीधा इधर आ सकते हैं। ये वाला जो रोड है ये एयरपोर्ट से आ रहा है, तो आप IIT गेट के फ्लाईओवर के ऊपर से उतर कर, जैसे ही पंचशील का फ्लाईओवर आता है, उसके नीचे से आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा, और लेफ़्ट लेते ही आपको ये सामने एकदम इनके अपोजिट आपको ये इनकी छोटी सी, जैसे भी ये इनकी शॉप ही आपको दिख जाएगी। और कुछ इस तरीके से ये चला रहे हैं फिलहाल, और अभी लॉकडाउन खुला है तो काफ़ी मजबूर लोग हैं, तो मैं यही चाहता हूं कि हमारे जितने भी भाई हों, अगर वो आसपास हों तो आएँ यहाँ पर, और इनकी ज़रूर
मदद करें और अपने आए तो यहाँ पर लंच करें, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी सब्जी है, देखो मैं दिखाता हूँ। हम तो इतने गरीब हैं। ये इनकी पूड़ियाँ हैं, तो अभी इनके पास थोड़ा सा स्टॉक कम है, अभी इसको थोड़ा चला के दिखाऊँगा। ये देखो इस तरीके से इनकी सब्जी है, काफ़ी अच्छी बेहतरीन ढंग से बनी हुई है। ऐसे नहीं है कि पानी पानी हो, बहुत ही अच्छी वो है, थिकनेस है इसमें बहुत अच्छी। ये कुछ चावल इस तरीके से। और कितने की प्लेट आप देते हैं पूड़ी की? 30 रुपए की। तो इनकी 30 रुपए की प्लेट होती है, 6 पूड़ी होती है उसमें, और आलू की सब्जी होती है, और चावल की इनकी प्लेट होती है 30 का फुल प्लेट। हाफ भी देते हो आप? 20 का हाफ। हाँ, अच्छा 20 की हाफ प्लेट देते हैं और फुल 30 रुपए का देते हैं। तो आप जो आपको जैसा ठीक लगे वैसा ले सकते हैं, और बिल्कुल मेन रोड पर है, आप जब भी आएँ आप इनको टेस्ट करें। तो इनका देखते हैं हम, चेक करके कैसा खाना है और फिर आपको बताते हैं। रायता वगैरह भी आप देते हो? तो रायता भी होता है उसके साथ। तो चलो देखते हैं इनकी कैसा खाना बना। तो दोस्तों हमने लगवा ली है अपनी प्लेट, ये कुछ ऐसे है इनकी, चावल और आलू है, ये इनकी हाफ प्लेट है। ये देखो क्वांटिटी कितनी अच्छी है इनकी। और इसके साथ आपको आज इनके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी लॉकडाउन खुला है, तो इन्होंने बनाया भी नहीं है। तो इनके पास कढ़ी चावल और दाल चावल मिल जाते हैं, और कुछ इस तरीके से इनकी ये आलू पूड़ी देते हैं, इसमें 6 पूड़ियाँ होती हैं, 30 रुपये की प्लेट है ये। और कुछ इस तरीके से है, देखिए क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो इसको आज चलो चेक करते हैं कैसी बनी है। अच्छी है, और मैं ये बताऊँगा कोई ऐसी नहीं है इसमें ज़्यादा मसाले गिरे हुए हैं इनके में, बिल्कुल नॉर्मल से मसाले हैं, और इतना नहीं है कि भाई ज़्यादा चटपटे हों, बिल्कुल हल्के मसाले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप खा नहीं सकते हो या कोई तकलीफ होगी, बिल्कुल माइल्ड से मसाले हैं, और टेस्ट काफ़ी अच्छा है जैसा कि सब्ज़ी देख के आपको पता चल रहा होगा। बहुत बढ़िया बना हुआ। तो आप यहाँ पर कभी भी आए, आउटर रिंग रोड के पास पंचील फ्लाईओवर लक्ष्मण पब्लिक स्कूल है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको उनका ये शॉप दिख जाएगी और आप उसको ले सकते हैं। तो आओ बाकी टेस्टिंग करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले इसमें। तो इस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अंकल जी की मदद हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके और वो इनका खाना ज़रूर टेस्ट करें। बाय।